सीजीएल 2024 के लिए ये वीडियो है और इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें होगा पॉइंट की जिनके दो एड्रेस हैं, दो अलग अलग एड्रेस हैं और उसमें भी खास कर वो कास्ट सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान है कि कहीं इससे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो इशू नहीं आएगा। तो एक पॉइंट हमारा ये रहेगा इस वीडियो में। दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन में भी कि आपका जो PVR होता है वो कहाँ पर होता है, परमानेंट एड्रेस पे या जो आपने एड्रेस या जो एड्रेस आपके कास्ट सर्टिफिकेट में है, यानी कि परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस, क्या दोनों एड्रेस पर होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। एंड तक आप सब कुछ डिटेल में देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक है, आप सब लोग ट्विटर ऐप इंस्टॉल करके मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज बहुत सारे आ रखे हैं खासकर सर्टिफिकेट्स को लेकर के, तो आपके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ट्विटर पे ट्रैफिक कम है और मैं काम की चीजें भी पोस्ट कर रहा हूँ। जितने भी मैटर आपको वीडियो के थ्रू मिलते हैं इनका मैं आर्टिकल पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो अगर टाइम नहीं है आपके पास। तो रिक्वेस्ट होगा कि जरूर वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। देखिए ये सारे जो वीडियो आप देख रहे हो ये खासकर टीयर टू के बाद आता था, क्योंकि मैं टीयर टू के बाद की चीज़ें कवर करता हूँ और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मैं वीडियो लेके आता था। लेकिन अभी क्या है कि जो आने वाले 3-4 महीने जिसमें आपका प्रिपरेशन है, कैंडिडेट मैंने नोटिस करा है पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर कि उनका एग्जाम खराब हुआ या पूरा ये ड्यूरेशन जो रहा है प्रिपरेशन का वो काफ़ी परेशान रहे इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, उनका एग्जाम पर फोकस ना होकर के वो अलग अलग ग्रुप में ये सब चीज़ों को मैसेज करके पूछते रहते थे जानकारी की कमी की वजह से। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी एग्जाम खराब हो, इसलिए ये वीडियो इस टाइम पर आ रहा है। पहले मैटर समझ लेते हैं क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका परमानेंट एड्रेस यानी कि जो उनके फादर या उनके दादाजी लोग पहले कहीं रहते थे और अभी वो या तो रेंट पर रह रहे हों या फिर खुद का मकान बनवा लिया है, यहाँ पर उनके पेरेंट्स या उनके माता पिता यहाँ पर जॉब करने आ गए, तो उनका गांव से या फिर पापा का जो एड्रेस है वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। तो अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये दोनों एड्रेस डालने जरूरी है। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। मैक्सिमम लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो उनके पापा का एड्रेस था यानी कि जो उनका परमानेंट एड्रेस है या कहें तो जहाँ पर वो अभी नहीं रह रहे हैं राइट, वहाँ का बना हुआ है और अभी उनका जो करंट स्टेट है वो अलग है, काफ़ी लंबे टाइम से वो यहाँ रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसी दूसरे स्टेट से बना हुआ है और आपके बाकी जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका आईडी वगैरह किसी दूसरे स्टेट का है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं आता। बस आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा उसमें दो एड्रेस रखिएगा, एक परमानेंट एड्रेस में जहाँ से कास्ट बना हुआ है और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर आप पढ़ाई की हो या फिर जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, चाहे रेंट पर चाहे परमानेंट मकान बनवा लिया आपने, वो एड्रेस डालिएगा। करते हैं कि क्या परमानेंट एड्रेस के कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है आपका, तो कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कि ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट एड्रेस जहाँ से आपका कास्ट बना हुआ है आपको कोई डोमिसाइल देने की जरूरत है या फिर कोई ऐसा प्रूफ देने की जरूरत है कि आप वहाँ पर रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। हाँ, अगर कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ का बना हुआ है तो अगर आपने वहाँ से बनवाया है तो जिस ऑफिस से बनवाया होगा हो सकता है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ पर मांगा हो। ये काम उस ऑफिस का है, तहसील का है, लेकिन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आपसे नहीं मांगती। जब क्रॉस वेरिफिकेशन करवाती है, मान लेते हैं कि आप किसी दूसरे स्टेट से बनवाए हो अपने परमानेंट एड्रेस वाले, तो वो वेरिफिकेशन करवा लेती है, क्रॉस वेरिफिकेशन वहाँ भेजेगी उस ऑफिस को, वहाँ से वो वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ हमारे ही ऑफिस से ये बना हुआ है, चाहे वो मैनुअली बना है चाहे वो डिजिटली बना है, और वो लेटर इशू करके दे देते हैं। मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन का वीडियो डाला हुआ है और वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है। तो इसको लेके पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा वो एड्रेस ऐसा है कि जहाँ पर मैं रह नहीं रहा हूँ या कोई उसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो मेरा डाउट ये रहता है कि सर मेरे आधे डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लो कि 10th और 12th का मैंने कहीं दूसरे स्टेट से किया है, बाकी के ग्रेजुएशन या मेरे बाकी जितने आईडी प्रूफ है वो दूसरे स्टेट के हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा अगर आपके आधे डॉक्यूमेंट अलग स्टेट के दूसरे अलग स्टेट के हैं। इससे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपका। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे आपके एक ही स्टेट से होने चाहिए, और इसका भी वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाता। कई सारे लोग बर्थ को लेकर परेशान रहते हैं कि सर मेरा बर्थ तो इस स्टेट में हुआ था और मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, क्या बर्थ का भी प्रूफ मांगेंगे? तो बर्थ का भी चेक नहीं करा जाता, प्लेस ऑफ बर्थ फॉर्म में भरवाया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई आपको मतलब अलग से कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगली जो डाउट रहती है कि सर जो मेरे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का कोई आईडी प्रूफ नहीं है परमानेंट एड्रेस का, कहीं इससे तो दिक्कत नहीं आएगी? मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पेरेंट्स का नहीं लगता। हाँ, जब आप डिपेंडेंट दिखाओगे, मेडिकल का जो बेनिफिट लोगे डिपेंडेंट के केस में, उस केस में उनकी आईडी की जरूरत पड़ती है, जिसमें फोटो और केवल नाम की जरूरत पड़ती है, एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी या उनका कोई भी डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं लगेगा। लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, मैक्सिमम डिपार्टमेंट जब ज्वाइन कर लोगे उसके विदिन 2 मंथ के अंदर करवा लेते हैं,
वहीं अगर हम बात कर ले सीबीआई की, एनआईए की या फिर आईबी की बात कर ले, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका ये प्रोसेस होता है। जिसमें एनआईए या फिर आईबी की बात करें तो ये थोड़ा डिटेल में इनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। एनआईए के केस में आपका सीआईडी करती है, आपके कॉलेज भी जाती है और पूरा डिटेल में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट, जितनी भी मिनिस्ट्री है आपकी, वहाँ पर आपका ज्वाइनिंग के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन का मैं बता दूं आपको कि इसमें से भी कुछ मिनिस्ट्री आपके दोनों एड्रेस पर करती है। अगर आपने दो एड्रेस दिया है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस, तो दोनों जगह से करवाती है पुलिस वेरिफिकेशन। कुछ मिनिस्ट्री केवल करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर ही आपका पीवीआर करवाती है। पुलिस वेरिफिकेशन के केस में ऐसा होता है कि जहां पर भी आपका थाना होता है, जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे, ज्वाइनिंग से पहले आपका एक फॉर्म भरवाता है, वहां पर आपका थाना लिखवाया जाता है कि आपका लोकल थाना कौन सा पड़ता है, परमानेंट में भी और करस्पॉन्डेंस में भी। उस थाने को लेटर भेजा जाता है और वहाँ से थाने से हो सकता है कि वो लोग खुद ही करके भेज दें आपको। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि वो बताते नहीं है कैंडिडेट को, वहाँ पर और भी बहुत सारे काम रहते हैं थाने वगैरह में, तो वो जब उनके पास लेटर आता है तो उनको लगता है कि यार ये गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो कैरेक्टर सही ही होगा, वो बना करके भेज देते। कुछ केस में वो फ़ोन करके बुलवाते हैं आपको कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन का आया हुआ है, आप एक बार को आ जाइए, आप जाके उनसे मिलते हो और फिर वो लेटर बना के भेज देते हैं। इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत पर जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस में कवर करता हूँ, कॉल पे जब बात होती है, तो ऐसे ऐसे मैटर्स को लेकर कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि किसी ने फर्जी नाम लिखवा दिया या कुछ ऐसा मैटर चल जाता पुलिस वुलिस का, तो उसको लेके वो पैनिक रहते हैं और उनका एग्जाम खराब हो जाता है। ऐसी चीज़ों से लेके आप परेशान ना होइएगा, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। अगर एड्रेस को लेके अभी और भी कोई डाउट है, जितने भी चीज़ें हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ट्विटर पे जरूर फॉलो करके रखिएगा, ट्विटर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्ट डीएम कर दीजिएगा, तुरंत रिप्लाई आपको आ जाएगा।